सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना 24 अक्टूबर को देश के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए। जस्टिस खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर होंगे। इसके एक दिन बाद यानी 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। जस्टिस खन्ना ने अपना करियर 1983 में शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट से पहले वो दिल्ली के 30,000 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई अदालतों में प्रैक्टिस कर चुके हैं। अपने अब तक के करियर के दौरान जस्टिस खन्ना और उनकी भागीदारी वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कई अहम फैसले सुनाए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड केस। जस्टिस खन्ना उस बेंच में शामिल थे जिसने 2024 के एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र थे। इस मामले में फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली जानकारी सिर्फ बैंक के अफसरों तक ही सीमित रहती है। अनुच्छेद 370 का केस। जस्टिस खन्ना 2023 में संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़े केस पर फैसला करने वाली बेंच के सदस्य थे। अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। संजीव खन्ना का कहना है कि अनुच्छेद 370 संघवाद के अनुरूप नहीं है। इसे खत्म करने से भारत के संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वीवीपैट के 100% वेरिफिकेशन का मामला। साल 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग के फैसले में जस्टिस खन्ना की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपीएटी वेरिफिकेशन की मांग करने वाली एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला। 3 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर अब आरटीआई के दायरे में होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा था कि पारदर्शिता से न्यायिक आजादी प्रभावित नहीं होती। जिस बेंच ने यह फैसला सुनाया था, जस्टिस संजीव खन्ना उसका हिस्सा थे। सेंट्रल विस्टा, जब जस्टिस खन्ना ने दिया बेंच से अलग फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जनवरी 2021 में अनुमति दी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत बाकी निर्माण के अलावा दिल्ली में नया संसद भवन भी बनाया गया है। 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। जस्टिस खन्ना के अलावा इस बेंच में A.M. खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी भी शामिल थे। जस्टिस खनविलकर और दिनेश महेश्वरी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अनुमति दी थी, जबकि जस्टिस संजीव खन्ना ने इसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया था।